दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। इस सम की रिक्वेस्ट आई गई थी कि सम नंबर 14 जो है वो मैम एक बार करवा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे वो रिक्वेस्ट के बेस पे यहाँ पे मैंने सम लिया हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट 14 में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2015 भरत विजन कंपनी लिमिटेड बड़ोडा सेंड 30 TV सेट्स ईच ऑफ ₹7,500 एट ए इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹10,001। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, हम लोग आईपी प्राइस का दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आईपी प्राइस के साथ पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 30 × 10,000 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 लाख। ठीक है, और दूसरे साइड हम लोग क्या करेंगे, गुड्स सेंड का हम डिफरेंस डाल के रख देंगे। अब दोस्तों, हमारा आईपी प्राइस था 10,000 और कॉस्ट प्राइस था 7,500, यानी डिफरेंस कितने का हो जाएगा हमारा, 2,500 का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 × 2,500। ठीक है, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 75,000। ये हम लोग का सबसे पहला काम हुआ। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है, द कंपनी पेड 1,000 फॉर इंश्योरेंस, 1,500 फॉर फ्राइड एंड 500 फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लोग का कंसाइनर का खर्चा कर रहे, तो हम लोग लिख देंगे कंसाइनर एक्सपेंस। ठीक है, क्या क्या एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का 1,000 रुपया, फिर फ्राइट का 1,500 और लास्ट हम लोग का दिए है एक्सपेंस कितना था, 500। तीनों को मिला के देख लेंगे, 1,000 + 1,500 + 500 कर दिया, यानी कंसाइनर का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है, ऑन 1 जुलाई 2015 कंपनी ड्रीव अ बिल ऑफ 3 मंथ 1,50,000 ऑन माधव विच वॉज रिटन इमीडिएटली बाई हिम डेली साइन एंड एक्सेप्टेड ऑन 4 अगस्त 2010। दोस्तों, हम लोग जब भी डिस्काउंट करते हैं, नॉर्मली हम लोग को जो डेट दी रहती है, ये 3 मंथ बोला है तो हम 3 मंथ के ऊपर कर देते, लेकिन उन्होंने बोला है, मैंशन किया गया है कि 4 अगस्त को चेक रिसीव हो रहा है, तो 3 मंथ की जगह पर हम लोग को कितना मंथ करना पड़ेगा, 2 मंथ। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, 1,50,000 का 12% × 2 / 12। हम लोग का बिल्स कितने का डिस्काउंट हो गया, 3,000 का। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, अंडर द एग्रीमेंट माधव इज एंटाइटल टू गेट 5% ऑन जनरल कमीशन एंड 3% डेलक्रेट कमीशन। तो हम लोग के यहाँ पे दो टाइप के कमीशन है, हम कमीशन लिख रहे हैं, एक जनरल कमीशन और डेलक्रेट कमीशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका डिफरेंस बताया था कि जनरल कमीशन जो है टोटल सेल्स पे लिया जाता है, जो कि डेलक्रेट जो रहता है वो क्रेडिट सेल्स पे लिया जाता है। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सेल्स नहीं है तो फिलहाल के लिए हम उसको रोक देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि नेट प्रॉफिट का 10% जो शेयर है वो भी हम लोग को देना पड़ेगा, ये भी हम लोग को बाद में काम करना है, 10% प्रॉफिट ऑफ शेयर, ये हम लोग को जब प्रॉफिट मिलेगा तब हम लोग को करना है। फिर आगे बढ़ेंगे, उन्होंने बोला है 31 दिसंबर माधव सेंड एन अकाउंट सेल्स एंड बैंक ड्राफ्ट। सेल्स के हिसाब से उन्होंने सबसे पहला तो बोला है एक्सपेंस, जो कंसाइनी ने पे किया, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसाइनी एक्सपेंस। ठीक है, क्या क्या एक्सपेंस पे किया है, ऑक्ट्रॉय पे किया है उन्होंने 300 का, और कैरेज पे किया है उन्होंने 1500 का, यानी टोटल हम लोग का कितना हो गया, 1500 और 300 मिला के 1800 हमारा एक्सपेंस हो गया। फिर उन्होंने बोला है 15 TV सेट जो है कैश के ऊपर बेच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय सेल्स। दो तीन टाइप के सेल्स है इसके लिए, पहले तो कैश सेल्स आ गया, कितना था, 15 × 11,500, तो हम लोग का कितना आ गया, 172,500। ये हम लोग का क्या हो गया, कैश सेल्स। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रीसोल्ड 5 TV सेट्स ऑफ 12,500 ईच टू निखिल ऑन क्रेडिट, यानी ये हमारा क्या है, क्रेडिट सेल्स है, 5 × 12,500 कर दिया, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, 62,500। ये किसका है, निखिल का, इसकी वजह से एन लिख के रख दिया मैंने। थर्ड बोला है ई सोल्ड 3 TV सेट्स एट ₹10,500 ईच टू मिहिर ऑन रिकमेंडेशन। दोस्तों, रिकमेंडेशन के बीच का मैंने डिफरेंस लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि रिकमेंडेशन का अगर बैड डेब्ट होता है तो कंपनी को पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी उसकी जिम्मेदारी ले रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिकमेंडेशन पे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो इनका टोटल हम लोग सेल्स निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 172,500, तो हम लोग का टोटल सेल्स है 266,500, और उसका जनरल कमीशन के हिसाब से 5% जनरल कमीशन था, तो इसका 5% कर दिया, तो हमारा जनरल कमीशन कितना हो गया, 133,250। डेलक्रेट क्रेडिट के ऊपर रहता है, जो रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं रहता, तो 62,500, और डेलक्रेट कमीशन कितना बोला था हम लोग को, 3% कर दिया, तो डेलक्रेट हमारा आया 1875। ओके,
ये दोनों डाल दिया। फिर उन्होंने बोला मिहिर और निखिल जो है दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। अब यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आता है कि अगर कंपनी रिकमेंडेट कर रही है तो उसका पैसा जो है वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो मिहिर भी जो है वो बैड डेथ हो रहा है। उन्होंने बोला मिहिर एंड निखिल बोथ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड दे पे फाइनल डिविडेंड 85 पैसे एंड 50 पैसे। सिर्फ मिहिर रिकमेंडेशन पे था तो हम लोग सिर्फ उसी का बैड डेट लेंगे। 85 पैसे दे दिया यानी बचा हमारा कितना परसेंट, 100 में से 85 माइनस कर देंगे 15%, तो 15% हमारा बैड डेट हो जाएगा। 31,500 का 15% कर दिया तो हम लोग का बैड डेट कितना हो गया, 4,725। ओके, फिर उन्होंने बोला है ऑन 30 सितंबर 2015 इन माधव गोडाउन टू सेट्स वर डिस्ट्रॉय ड्यू टू दैट फायर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹12,000। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे करना है लॉस ड्यू टू फायर। कंपनी के अंदर सामान पहुँच जाने के बाद हमारा नुकसान हो रहा है तो हम लोग को दोनों के एक्सपांस लेने पड़ेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो कितना टीवी सेट डिस्ट्रॉय हुआ, टू। हम लोग इसको कॉस्ट के हिसाब से ही निकालते हैं तो 2 × 7,500 कर देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000। फिर उसके बाद प्लस हम करेंगे कंसाइनर एक्सपांस। अब इसमें हम लोग को प्रोपोर्शनेट निकालना है, टोटल टीवी सेट्स थे 30, 30 पे कंसाइनर का खर्चा कितना आया था हम लोग का 3,000, तो 2 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे यानी 2 × 3,000 डिवाइड बाय 30, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख के रख देंगे 200 कंसाइनर एक्सपांस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आया कंसाइनी एक्सपांस। अब सेम चीज़ हम लोग को करनी है 30 पे। कंसाइनी ने क्या क्या चीज़ की थी, ऑक्टर ऑफ राइट दोनों है हम लोग के लीगल है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 30 पे कंसाइनी का एक्सपांस जो है वो 1800 है, तो 2 के ऊपर कितना, तो 2 × 1800 डिवाइड बाई 30 कर दिया यानी कंसाइनी एक्सपांस हो गया 120। सबको प्लस कर देंगे, टोटल हम लोग का खर्चा आया 15,320। उसमें से हम इंश्योरेंस क्लेम को माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का कितना दिया था 12,000, माइनस कर दिया माइनस 12,000, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया 3,320, वो हम लोग का क्या हो जाएगा लॉस ड्यू टू फायर। ठीक है, अब यहाँ पे वो लिख देंगे लॉस ड्यू टू फायर 3,320 और इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 12,000। ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे डाल दी। अब उसके बाद लास्ट हम लोग का बचा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का काम। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कितना स्टॉक बचा है। तो टोटल टीवी सेट्स हम लोग के कितने थे 30, जिसमें से हम लोग की सेल्स कितने के सेल्स हुए, सबसे पहले तो 15 कैश सेल्स था, 5 क्रेडिट था, फिर उसके बाद 3 क्रेडिट था, फिर 2 डिस्ट्रॉय हुआ, यानी बचा कितना 30 − 15 − 5 − 3 − 2 5 हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक 5 और ये जो है वो आईपी प्राइस के ऊपर लेना रहता है, 5 × 10,000 तो हमारा कितना हो जाएगा 50,000। प्लस कंसाइनर एक्सपांस हम करेंगे जैसे ऊपर में प्रोपोर्शनेट निकालेंगे वैसे ही, 30 पे 3,000 है तो 5 के ऊपर कितना, तो यहाँ पे कर देंगे 5 × 3,000 डिवाइड बाय 30 यानी ये आ गया हमारा 500। प्लस हम करेंगे कंसाइनी एक्सपांस, 30 पे कंसाइनी का खर्चा कितना था 1800, तो 5 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे, 5 × 1800 डिवाइड बाय 30 तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद दोस्तों हमारा इसका वैल्यू आ गया 508,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 508,000। ये हमारा आईपी प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होता है तो इसकी वजह से इसके ऑपोजिट साइड में हम लोग क्या करेंगे 2 क्लोजिंग स्टॉक और डिफरेंस डाल देंगे। कितने का डिफरेंस था, 2500 का हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर निकाल दिया था, तो 5 × 2500 कर देंगे, 5 × 2500 तो हम लोग का आया 12,500 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्या था, इंश्योरेंस जब भी हम लोग निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक जब भी हम निकालते हैं वो हम लोग हमेशा आईपी प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आपको डालना पड़ता है।
अब हम लोग टोटल कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे 75,266,500 प्लस 3320 प्लस 12,000 प्लस 50,800 माइनस 3 लाख माइनस 3,000 माइनस 3,000 13325 1875 फिर 1800 4725 और 12500 ये हम लोग का आया 67395 ये हम लोग का आया प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हम लोग को 10% प्रॉफिट निकालना था कमीशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 67395 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इंटू 10 डिवाइड बाय 110, तो हम लोग का कमीशन कितना हो जाएगा 6126। अब जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे, 67395 ऑलरेडी आया था, माइनस 6126 कर दिए, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 6169। और इसके बाद हमारा ये जो कंसाइनमेंट है वो क्लोज हो गया। तो दोस्तों काफ़ी इजी सा सम है, बस आप थोड़ा सा ट्रिकी वे में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके कुछ लॉजिक आप समझ लोगे तो आप काफ़ी इजीली ये सम सब सॉल्व कर पाओगे। होपफुली दोस्तों आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे होंगे। वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।